भारत की महान महिला क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा की, लेकिन अब उनके लिए क्रिकेट के खेल को अलविदा कहने का समय आ गया है। तो आइए जानते हैं मिताली राज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उनके कम ही फैंस जानते हैं। मिताली के पिता दोराज राज वायुसेना में अधिकारी हैं, इसलिए मिताली के परिवार में अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं था। तमिल परिवार से होने के कारण मिताली कथक में एक्सपर्ट थी। केवल 8 साल की उम्र में शास्त्रीय नृत्य का भी अभ्यास किया, लेकिन इनके पिता का मानना था कि मिताली आलसी है, इसलिए नृत्य के साथ साथ मिताली के पिता ने इन्हें पेट भी थमा दिया। मिताली ने केवल 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। ये नृत्य और क्रिकेट दोनों में रुचि रखती थी, लेकिन स्कूल अध्यापकों ने कहा कि केवल एक चीज पर अपना फोकस जमाओ। मिताली धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ बढ़ने लगी। शुरुआत में मिताली प्रैक्टिस भी लड़कों के साथ करती थी, जो कई बार इन्हें कम समझते थे और कहते थे कि क्रिकेट का खेल लड़कियों के लायक है ही नहीं। लेकिन मिताली कमजोर और दूर भागने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत की और वो दिन आ गया जब इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुना गया, और यहीं उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो कहते थे कि लड़कियां क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। मिताली फरवरी 2017 में 5000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई थी। इनकी कप्तानी के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी फैन रहे हैं। मिताली राज को 2003 में भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।